की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा और आप देख रहे हैं स्ट्रीट बस न्यूज। झारखंड का बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान वित्त मंत्री ने बजट में की घोषणाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 1,01,101 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। इस दौरान वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आगामी वित्त वर्ष के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत करने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि गरीब और किसानों को मासिक 100 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाएगा। 100 यूनिट से ज्यादा बिजली के उपयोग होने पर 100 यूनिट से माइनस कर बिजली दर का भुगतान करना होगा। झारखंड में किसान और गरीबों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वित्त मंत्री के ऐलान पर राज्य के प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के विधायक अमर बाबरी ने कहा कि राज्य में बिजली की आग मिचौली से जनता परेशान है। ऐसे में मुफ्त 100 यूनिट बिजली से जनता को कितना भला होगा या देखने वाली बात होगी। पर बिजली बिल का बोझ कम करने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक परिवार को मासिक 100 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने का प्रस्ताव बहुत हल्ला होता था। हम लोग अपने जैसे घोषणा पत्र में भी लिखे थे, अब शुरू कर रहे हैं 22-23 वित्तीय वर्ष से शुरू कर रहे हैं 100 यूनिट तक जो जलाएंगे बिजली वो मुफ्त जलाएंगे। तो किसानों को और गरीबों को देने एक कब नहीं बोला था, जिस दिन से चुनाव हो रहा था उस दिन से बोल रहा था, जिस दिन चुनाव जीता उस दिन से बोल रहा था, आज तक बोल नहीं रहा है। अरे भैया उसको कार्य रूप में कब देंगे आप, उसकी व्यवस्था कब करेंगे? जिस दिन 100 यूनिट बिजली माफ होने लगेगी उस दिन देखा जाएगा। सबसे बड़ी बात है बिजली दे कहाँ रहे, बिजली देंगे तब माफ करने की बात होगी। आज पूरे झारखंड प्रदेश में 2-4 घंटे बिजली मिल रही है। 25 KV के ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए लोगों को पैरवी करना पड़ रहा, पैसे का उगाही करना पड़ रहा। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस न्यूज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।